महापालिका के इंदिरा गांधी अस्पताल में सहायक आरोग्य अधिकारी जनरल सर्जन इस पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रवीण घंटावार को महापालिका ने आरोग्य अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पद सौंप कर पदोन्नत किया है। अब इसमें आश्चर्य वाली बात यह है कि वही घंटावार है जिन पर रिश्वतखोरी का मामला दर्ज है और महापौर जोशी ने उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए थे। पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंडे के करीबी माने जाने वाले घंटावार के पदोन्नति के प्रस्ताव को मौजूदा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने मान्यता देने की बात सामने आई है। मुंडे आयुक्त पद पर नियुक्त होने के बाद से वे अचानक लाइमलाइट पर आए। उन्हें कोविड का समन्वयक नियुक्त किया गया था। उनके अशिष्ट व्यवहार, नगर सेवकों को उल्टे जवाब देने की वजह से महापौर संदीप जोशी सहित सभी नगर सेवक उन पर नाराज थे। फिर इस बीच वरिष्ठ नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने नगर निगम की आम सभा में घंटावार और उनकी पत्नी के दुराचार को सामने लाया। हालांकि पूर्व आयुक्त मुंडे ने स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया था। तभी रिश्वतखोर विभाग ने उनके घर छापा मारा। उन पर यह भी आरोप है कि कुछ गुंडों को एलेक्सिस अस्पताल ले गए और वहां उन गुंडों ने मारपीट भी की। उसी मामले में साहिल सैयद को गिरफ्तार किया गया। घंटावार और उनकी पत्नी एक ही जगह कार्यरत है। उनकी पत्नी की सेवा पुस्तिका सदन को उपलब्ध करने के आदेश देने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मध्य प्रदेश में उन्हें एक और नाम के तहत कांग्रेस नेता के रूप में जाना जाता है। दयाशंकर तिवारी ने नगर निगम हॉल में कांग्रेस नेताओं के साथ होर्डिंग भी दिखाए थे। इन सभी अटकलों के बीच उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें पदोन्नति देना एक सवाल पैदा करता है। NBC न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।